इंडिया वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच आज का मुकाबला अंतिम मुकाबला है और पांचवा मुकाबला है। ऐसे में चार मुकाबलों में तीन को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है, तो वहीं इंडिया ने एक मुकाबले को सुपर ओवर में अपने नाम किया। ऐसे में आज का जो कॉन्टेस्ट होने वाला है वो काफ़ी बड़ा ड्रीम इलेवन पे कॉन्टेस्ट है और 11 करोड़ का कॉन्टेस्ट खेला जाने वाला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है। आज के कॉन्टेस्ट में जो पहला प्राइज है वो 1 करोड़ होने वाला है और मात्र 3300 रुपये का कॉन्टेस्ट है और छूट दिया गया। हालांकि सबके ड्रीम इलेवन पे ऐसी छूट नहीं मिलती है, ये हमारे लिए स्पेशल छूट मिला हुआ है। और तो आज का जो पहला प्राइज 1 करोड़ का है, देखते हैं कौन जीतने वाला है, क्या टीम होगी, कैसे टीम बनाया जाए कि 1 करोड़ रुपये जीत लिया जाए। ऐसे में चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं और आज के मैच के बारे में सारी एनालिसिस लेते हैं कि कौन सा टीम कैसा खेलेगा, कौन प्लेयर्स कैसे खेलने वाले हैं और संभावित जो टीम इलेवन होगी वो क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम इलेवन क्या होगी, इंडिया की टीम इलेवन क्या होगी। आज का जो वेन्यू है वो वेबरन स्टेडियम मुंबई में खेला जाने वाला है और आज का मुकाबला अंतिम मुकाबला में है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वुमेन्स की बात की जाए तो दोनों टीमों ने आमने सामने 28 मैच खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 21 मैच जीते हैं, वहीं इंडिया ने मात्र 7 मैच जीते हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 11 मुकाबलों को अपने नाम किया है, तो वहीं इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 2 मुकाबलों को अपने नाम किया। अगर वहीं बैटिंग सेकेंड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 मुकाबले अपने नाम किया है, तो इंडिया ने 5 मुकाबले अपने नाम किया है। और अगर प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो इंडिया वुमेन्स प्लेइंग इलेवन कुछ इस प्रकार से होगा। बैटिंग ऑर्डर में पहले बैटिंग करने के लिए आएंगे शेफाली वर्मा और साथ ही स्मृति मंदना होगी, उसके साथ साथ जमीमा रेजोरियस होगी, उसके बाद इंडिया की कैप्टन हरप्रीत कौर आएंगी, उसके बाद देविका बेडाया, आर्घोष, दीप्ति शर्मा और हरलीन देओल, उसके बाद राधा यादव, उसके बाद अंजलि शेरवानी और अंतिम में आर सिंह ठाकुर आएंगी बैटिंग करने के लिए। तो ये इंडिया का प्लेइंग इलेवन होगा। आप चलते हैं एक नज़र डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग इलेवन पर। ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर में पहले बल्लेबाजी करने आएंगे बेथ मोनी, उसके साथ साथ एलेक्स एलिस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, उसके बाद टी मैगरेथ आएंगी, उसके बाद एस ग्राहम होंगी, उसके बाद एलाइसा पेरी होंगी, ए गार्डनर, ग्रीस हैरिस, ए सुदरलैंड, ए किंग्स, डी ब्राउन एंड एम सूट आएंगी। ऑस्ट्रेलिया का ये प्लेइंग इलेवन होगा। हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, अगर चेंजेस होती है तो उसके बारे में हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमारा जो टीम इलेवन होगा, संभावित टीम इलेवन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का यही टीम इलेवन है और लगभग इसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया उतरेंगे, क्योंकि 3 मुकाबलों को इसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। अगर देखा जाए तो 2 मुकाबलों के बाद पहले मुकाबले के बाद दूसरे वाले मुकाबले में थोड़ी सी दिक्कत आई थी और तीसरा और चौथा मुकाबला में जो टीम था ऑस्ट्रेलिया का कुछ इसी प्रकार का टीम था, थोड़े से चेंजेस लाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मुकाबले तीसरे और चौथे मुकाबले को अपने नाम किया। तो ऑस्ट्रेलिया इसी टीम के साथ उतरेंगी, लेकिन अगर भारत के टीम इलेवन की बात की जाए तो हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसे अगर इस श्रृंखला की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुकाबले में 3 मुकाबले को अपने नाम से करके सीरीज को अपने नाम कर लिया और आज का जो अंतिम मुकाबला है वो देखा जाएगा। ऐसे में भारत की निगाह है इस सीरीज तो हार ही चुकी है, लेकिन अंतिम मुकाबले को अपने नाम करना चाहेंगे। ऐसे में हो सकता है तो इंडिया टीम के प्लेइंग इलेवन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स बैट्समैन की अगर रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो ओपनर बल्लेबाज है बेथ मोनी, उनका जो स्कोर रहा है पिछले 4 मुकाबले में, पहले मैच में उन्होंने 89 का स्कोर किया था, दूसरे वाले में 82 का और तीसरे वाले मुकाबले में उन्होंने 30 रन बनाए थे और चौथे मुकाबले में थोड़ी असफल रही और 2 रनों के साथ पवेलियन को चलता बनी। ऐसे में जो उनका कुल स्कोर है उन्होंने 203 का स्कोर खड़ा किया। वैसे में उसके बाद अगर हम बात करें तो एलाइसा हेली की बात करते हैं, जिनका कि पहला मुकाबला जो था उसमें 37 रन उन्होंने अपने बल्ले से बनाया, उसके बाद दूसरे मुकाबले में 25, तीसरे में 1 और चौथे वाले मुकाबले में उन्होंने फिर से 30 रन बनाया और टोटल स्कोर जो है उन्होंने 91 का किया। उसके बाद अगर टी एम सी ग्रेथ की अगर बात की जाए तो उनका जो पहला मुकाबला था उसमें उन्होंने 40 रन का योगदान किया था, दूसरे वाले में 70, तीसरे वाले में 1 और चौथे वाले मुकाबले में मात्र 9 रन बनाए और टोटल स्कोर उन्होंने 120 किया है। वैसे अगर चौथे बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो ग्रीस हैरिस है, जो कि पहले दो मुकाबले नहीं खेले और उसके बाद जो तीसरा मुकाबला था उन्होंने उसमें 41 का स्कोर खड़ा किया और लास्ट वाले मुकाबले चौथे मुकाबले में 27 का स्कोर किया। ऐसे में अगर कुल स्कोर उनका देखा जाए तो उन्होंने 68 रन का योगदान दिया है इस मुकाबले में। अब एक नज़र डालते हैं इंडिया वुमेन्स बैट्समैन के रिसेंट फॉर्म पे। तो शेफाली वर्मा का जो स्कोर हुआ है, वो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आती है तो पहले मैच में उन्होंने 21 का स्कोर किया, दूसरे वाले में 34, तीसरे वाले में 52 एंड चौथे वाले में 20 का स्कोर करके टोटल स्कोर उन्होंने 127 का किया है। उसके बाद अगर वही बात की जाए इंडिया के ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंदना की, उन्होंने पहले मुकाबले में 28 रनों का योगदान दिया है, दूसरे वाले में 79 का, तीसरे वाले में 1 रन बनाया और चौथे मुकाबले में 16 के साथ पवेलियन को चलता किया है और टोटल जो उनका स्कोर किया हुआ है 124 रनों का स्कोर किया गया।
रहेगा। वहीं अगर तीन नंबर पे आने वाले बल्लेबाज की बात करें जिमेमा रिजोरियस की, तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और पहले मुकाबले में जीरो के साथ चलती बनी है, दूसरे वाले में चार, तीसरे वाले में 16 का स्कोर किया और चौथे मुकाबले में 8 के साथ टोटल स्कोर उनका 28 है। तो इनका जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है। ऐसे में जो टीम 11 आपका होगा उसमें ये डिपेंड आप पे करता है कि आप जिमेमा रिजोरियस को लेंगे। हालांकि अगर चारों मुकाबले की अगर बात की जाए तो इनका परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। इसके बाद इंडिया के कैप्टन हरमनप्रीत कौर बैटिंग करने आएंगे, जिसका कि टोटल स्कोर 21, 21, 37 और 46 का चारों मैचों में स्कोर रहा है और टोटल 125 का स्कोर खड़ा किया। उसके बाद आर्घोष आती है बल्लेबाजी करने, जिनका कि परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है पिछले चार मुकाबले, पहले मुकाबले में 36, दूसरे में 26 और तीसरे में 1 और चौथे में 40 के स्कोर के साथ टोटल स्कोर इनका 103 किया हुआ है। तो अगर ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए तो इंडिया के जो वुमेंस ऑलराउंडर, उसमें देविका वैदया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पहले मैच में उन्होंने 25, 11, 1, 32 के साथ टोटल 69 का स्कोर किया है। और विकेट की बात की जाए तो पहले मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया था, दूसरे में 0, तीसरे में 2 विकेट और चौथे वाले मुकाबले में 0 के साथ टोटल इन्होंने अपने नाम 3 विकेट किया। और दीप्ति शर्मा की बात की जाए तो इनका पहला मुकाबला जो था उसमें उन्होंने 36 का स्कोर खड़ा किया, दूसरे में 2 रन का स्कोर खड़ा किया, तीसरे में 25 का, चौथे में 12 का, टोटल अगर देखा जाए तो 75 का स्कोर खड़ा किया है। वैसे अगर विकेट की बात की जाए तो पहले मुकाबले में इन्होंने विकेट नहीं लिया था, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट लिया, तीसरे वाले में 2 विकेट और चौथे वाले में 2 विकेट के साथ टोटल 5 विकेट को अपने नाम किया है। तो इनका परफॉर्म काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। हमारा सजेस्ट रहेगा कि दीप्ति शर्मा को अपने टीम में छोड़े नहीं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ऑलराउंडर की बात की जाए तो एलिसा पेरी है, उनका पहले मुकाबले में 0 रन था, दूसरे में 0, तीसरे वाले में 75 और चौथे वाले मुकाबले में 72 रन था, टोटल स्कोर 147 किया हुआ है इस सीरीज में। अगर विकेट की बात करें तो पहले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं और उसके बाद किसी भी मुकाबले में उन्होंने विकेट नहीं लिया और टोटल 2 विकेट को अपने नाम किया गया। उसके साथ साथ इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ एस्लिट गार्डनर ने, जिन्होंने अंतिम के 2 मुकाबले में 7 और 42 का स्कोर खड़ा किया, टोटल 49 का स्कोर खड़ा किया और टोटल 5 विकेट 3 मुकाबलों में अपने नाम किया। उसके बाद ए सुदरलैंड की बात की जाए तो 4 मुकाबलों में उन्होंने 1 रन बनाया है और उसके साथ साथ 2 विकेट अपने नाम किया। उसके बाद हैदर ग्राहम है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले जिसमें कि 3 विकेट अपने नाम किया है एक ही श्रृंखला में। इसके बाद इनका अगर इंडिया के बॉलरों की अगर रिसेंट फॉर्म की बात किया तो रेणुका सिंह ठाकुर ने 4 मुकाबले में 2 विकेट अपने नाम किया, अनिल सरवानी ने 4 मुकाबले में 2 विकेट अपने नाम किया, राधा यादव ने 4 मुकाबले में 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के वुमेन्स बॉलर्स की अगर बात की जाए तो एम सूट ने 4 मुकाबलों में 1 विकेट अपने नाम किया, अनारा किंग ने 4 मुकाबलों में 3 विकेट अपने नाम किया और डी ब्राउन ने पहले 2 मुकाबले नहीं खेले, वहीं अगर लास्ट के 2 मुकाबले खेले तो उन्होंने उन्होंने तीसरे मुकाबले में 2 विकेट और चौथे मुकाबले में 1 विकेट लेकर टोटल 3 विकेट को अपने नाम किया है। अब चलते हैं एक नज़र ड्रीम इलेवन पे टीम की ओर की, किस प्रकार का टीम बनाया जाए कि आज का जो मेगा कॉन्टेस्ट है इसमें पहले रैंक पे आया जाए या फिर मोटी अमाउंट विन की जाए। तो ऐसे में आते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा संभावित टीम होगा वो किस प्रकार से होगा। अगर हमारी टीम में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो वो हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। फिलहाल अभी हम टीम बनाने की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो टीम होगा कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि एलेक्स हेली आज अनअवेलेबल रहेगी क्योंकि पिछले वाले मुकाबले में इनको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से आज के मुकाबले में ये नहीं रहेंगी। तो हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर विकेट कीपिंग सेक्शंस की बात की जाए तो आर्घोष होंगे, इंडिया की तरफ से आर्घोष होंगे और बैटिंग वाले सेक्शन में अगर बात की जाए तो बेथ मोनी को तो लेना इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि इनका लगातार परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। उसके साथ साथ स्मृति मंदना है, एम सी ग्रेथ है, शेफाली वर्मा है और ग्रीस हैरिस है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ग्रीस हैरिस पिछले 2 मुकाबले खेले जिसमें इनका काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म रहा है। और अगर देखा जाए अभी तक के टीम की ओर तो हमने विकेट कीपिंग सेक्शन में आर्घोष को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में ग्रीस हैरिस है, बेथ मोनी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और टीएमसी ग्रेथ है। उसके साथ साथ इंडिया की तरफ से स्मृति मंदना है और शेफाली वर्मा है। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की ओर, तो ऑलराउंडर के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमने एलिसा पेरी को रखा है, इनका पिछला 2 मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। उसके साथ साथ इंडिया की ओर से हमने दीप्ति शर्मा को लिया है, उसके बाद ए गार्डनर है। तो हमारा जो ऑलराउंडर सेक्शन से वो कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़े से हम चेंजेस करेंगे इसमें। और हमारा जो सेक्शन है इसमें हमने बैटिंग वाले सेक्शन से मंदना को हटा दिया और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आते हैं, हमने 2 ऑलराउंडर को ले रखा है। तीसरे ऑलराउंडर की अगर बात की जाए स्विट्जरलैंड से देविका वैदया है, तो हम इसमें जो हमारा सिलेक्शन होगा वो देविका वैदया का होगा क्योंकि इंडिया के लिए चारों मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा खेलती है। उसके साथ साथ बॉलिंग वाले सेक्शन में आते हैं, बॉलिंग वाले सेक्शन में जो अनारा किंग है उनको हम अपने साथ लेंगे, उसके साथ साथ सॉरी अनारा किंग को नहीं डी ब्राउन को हम अपने टीम में लेंगे, डी ब्राउन के साथ साथ राधा यादव है, अंजलि शेरवानी है, अंजलि शेरवानी को हम अपने टीम में लेंगे और लास्ट जो हमारा प्लेयर्स है उसमें हम
अनारा किंग को लेंगे। और इस तरह करके जो हमारा टीम इलेवन है, लगभग संभावित टीम इलेवन कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें कि हमने विकेट कीपिंग वाले सेक्शंस में आर्गोस, बैटिंग वाले सेक्शंस में ग्रीस हैरिस, बैथ मोनी, टीएमसी ग्रेट और शेफाली वर्मा को रखा है। वहीं अगर ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए तो एलाइसा पेरी है, दीप्ति शर्मा है, देविका बेदाया है, अनारा किंग्स है, डी ब्राउन है और अंजलि शेरवानी है। ये तो हमारा टीम कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को कैसे सेलेक्ट करें, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग जो हमने टीम इलेवन तैयार किया है तो इसमें सबका रेशियो दिया हुआ है 18% 11% इस तरह करके। बेथ मनी को 18% लोगों ने कैप्टन बनाया है, वहीं वाइस कैप्टन 11% लोगों ने बनाया है, और बाकी प्लेयर्स शेफाली वर्मा 3% है, वाइस कैप्टन में 4% है, ग्रेट 3% है, 5% है, ग्रीस हैरी 0.57% है, एलेक्सा पेरी को 37% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ और 15% वाइस कैप्टन है। तो थोड़ा सा ये रिक्सी होता है, लेकिन जब आप विन करना चाह रहे हैं ना तो जो सिलेक्शन ज़्यादा है उस पर नहीं फोकस करना चाहिए, थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए। तो आज का जो हमारा चेंजेस होगा हल्का बहुत चेंज हो सकता है। तो अगर देखा जाए कैप्टन की, तो हमारी तरफ से जो कैप्टन होंगी आज की, आज हम कैप्टन में बेथ मोनी को ले लेंगे, बेथ मोनी के साथ साथ जो हमारी वॉइस कैप्टन है, वॉइस कैप्टन में हम एलेक्स पेरी को ले लेंगे, और इस तरह से हमारा जो टीम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसी टीम के साथ हम खेलेंगे। अगर चेंजेस आते हैं तो हम टीम इलेवन पे आपके साथ शेयर कर देंगे।